पूछना है, महंगाई राहत कैंप बहुत ही सफल रहा, लोगों ने संख्या में आके वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया, लोगों को उसका बेनिफिट हो रहा है, तो हम घर घर जाएं। और ये विश्वास का न्योता है, आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे, ये तनिष्क का न्योता है, ये टाटा का भरोसा है। देखिए, यूथ कांग्रेस का आज प्रतिज्ञा 2023 का कार्यक्रम अजमेर जिले में था और सभी संभागों की बैठकें की जा रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने यूथ कांग्रेस के साथियों को पूरी तरह से तैनात करना है कि किस तरीके से इस चुनावी बैटल में जाना है, कैसे फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं, जो युवा हैं, जो कांग्रेस से हमें जोड़ना चाहिए जिन लोगों को, और ये सबसे जो बड़ा इसका जो स्पेस है, क्योंकि बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे जो इस बार वोट करेंगे, और जो सरकार की जो योजनाएं हैं, महंगाई राहत कैंप बहुत ही सफल रहा, लोगों ने संख्या में आके वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया, लोगों को उसका बेनिफिट हो रहा है, तो हम घर घर जाएं और जिन भी लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचा है, हम उनसे जाकर पूछें क्या आपको उस योजना का लाभ मिला है, कोई छूटा तो नहीं है। तो ऐसे डोर टू डोर कार्यक्रम करने की तैयारी चल रही है, एक बूथ पर 5 यूथ इस तरीके से जोड़ने का कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यूथ कांग्रेस जो है अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी और आने वाले समय में यात्राओं के लिए भी तैयारी की जा रही है। मैडम, अजमेर में अभी तक शहर अध्यक्ष और देहात अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस में ऑलमोस्ट सभी अध्यक्ष हो गए हैं, कुछ एक दो जिले के अध्यक्ष रह गए हैं, वो भी आपको जल्द मिल जाएंगे। पायलट कैंप का क्षेत्र लगता है तो पायलट साहब भी तो कांग्रेस के ही कैंप है। देखिए, पूरा कांग्रेस का लीडरशिप एकजुट है और ये आपने दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी उसके बावजूद उसके बाद भी आपने देखा कि हमारे सभी नेताओं ने मिलकर संकल्प लिया है कि 2023 हमने एकजुट होकर जिताना है। और इस बार कांग्रेस, कहते हैं ना कि जो रिवाज है, ये जो 5-5 साल वाला रिवाज है, ये बदलने जा रहा है, और जनता चाहती है कि कांग्रेस जीते, तो जब जनता चाहती है तो फिर कोई उस चीज़ को नहीं रोक सकता है। चुनाव किसके चेहरे पर? पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे पे चुनाव होगा।